एक बात बता, तूने कच्चा भी नहीं पहना? रॉयल एनफील्ड में सब लोग हंसेंगे फिर तेरे ऊपर। इसको कच्चा पहनाओ रॉयल, जल्दी चलें। वही तारीख है 8 अक्टूबर 2019 और मैं निकला हूँ अभी रॉयल इनफील्ड के शोरूम के लिए, क्योंकि मेरे को डिलीवरी के लिए फोन आ गया कि आप आओ अपनी गाड़ी लेके जाओ। गाड़ी ऑलरेडी है, लोन का पैसा भी जा चुका है, डाउन पेमेंट भी जा चुकी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फैमिली के साथ रॉयल इनफील्ड के शोरूम में और लेके आते हैं हम लोग रॉयल इनफील्ड। जब मैं आया हूँ यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की डिलीवरी लेने के लिए, तो मैं कहीं भी हूँ तो मेरे को तुरंत नोटिफिकेशन आता है कि गाड़ी के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है। तुम लोग अगर अपनी गाड़ी बाहर पार्किंग भी कर दी तो डिवाइस अपने खुद के फोन आ जाएगा, अपनी गाड़ी बाहर पार्किंग भी कर चुकी है। अरे वो डिवाइस के अंदर GPS भी, अगर अपनी गाड़ी किसी को दे रहे हो तो अपन अपनी गाड़ी ट्रैक कर सकते हैं, अपनी गाड़ी कौन से रास्ते से कहाँ पे जाएगी, गाड़ी का कुछ मूवमेंट हो रही है। ये आपकी बाइक का लोकेशन है। तो इन्होंने मुझे बताया कि गाड़ी के अंदर एक सेफ्टी डिवाइस आजकल आने लगा है जो GPS भी ट्रैक कर रहा है, और अगर गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी है, समझो ये गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी है थंडरबर्ड फॉर एग्जांपल, जैसे ये गाड़ी खड़ी है अभी और मैं चला गया ऊपर मॉल में, किसी ने इस गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की, इस गाड़ी को हिलाया या इसके अंदर कोई चाबी डालने की कोशिश की, तो मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा। और गाड़ी को चोरी करता है, उठाता है गाड़ी, कहीं एक्सीडेंट होता है, गाड़ी कितने किलोमीटर आज चली है, वो सब नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल ऐप में रहेंगे। एक राइडर के लिए अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि जो राइडर जाते हैं दूर दूर जाते हैं, किस किस होटल में अननोन प्लेसेस पे पार्क कर देते हैं गाड़ी, उनके लिए ज़्यादा सेफ है। तो ये 4,500 का खर्चा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं लगवा लेता हूँ। ये सैंड कलर है जो मैंने नहीं लिया, काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सैंड कलर ही लेना भाई, ये क्यों नहीं लिया मैंने, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था इसके पीछे जो मैंने ये गाड़ी को नहीं लिया। सर्विसिंग का कैसा है अपना फर्स्ट सर्विसिंग 500 किलोमीटर और सर्विसिंग का जो बुक आता है सर वो अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है। पर उन्होंने जो मेरे को दिखाया था वो निकल गए क्या? वो विदाउट ABS है और उनकी क्लासिक आती थी ना। अच्छा, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन हो चुके हैं और उन्होंने जो मेरे को बोला था वो डिवाइस लेने के लिए, उस डिवाइस को मैंने ले लिया 4,500 रुपये में, जिन्होंने साइन भी कर दिया, 500 रुपये एडवांस दे दिए। क्यों लिया मैंने वो, क्योंकि अगर मेरी लॉन्ग राइड होने लगी, कैसी भी किसी भी टाइप के होटल्स रहते हैं कि जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहती है, तो वो सेफ्टी के लिए मैंने वो डिवाइस लिया है। वो बंदे की नहीं, उस बंदे के पास भी रॉयल इनफील्ड है और उस रॉयल इनफील्ड में भी उसने वो डिवाइस लगा के रखा है। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, उसके बाद चलते हैं बाहर डिलीवरी लेने के लिए। बाहर अंधेरा है, पता नहीं शॉट कैसा आने वाला है। सबसे पहले कौन सी थी पापा? बहुत पहले उससे राजदूत पहले नहीं सबसे पहले राजदूत हुआ करती थी। इसके लिए चाय नहीं पीते छोटे बच्चे, मम नहीं है वो, चाय है वो। ये चाइना जा रहा है मेरा भाई, ये बैठा वो चाइना एंजॉयमेंट करने जा रहा है, देख यो यो कर रहा है। कोई बात नहीं, हमारे भी दिन आएंगे, हम भी जाएंगे। फिलहाल तो हमारी रोड ट्रिप आने वाली है जल्दी इस महीने के एंड में। संकेत थैंक यू सो मच, बहुत भाग दौड़ के बाद फाइनली गाड़ी हमने ले ली। तो डॉक्यूमेंट और गेट पास दे दिया है और सर्विस बुक लेने गया बंदा। शुरू के 500 किलोमीटर बस गाड़ी को 40 से 50 किलोमीटर की लिमिट पे भगाना पड़ेगा, जिससे कि ना
गाड़ी का एवरेज थोड़ा अच्छा हो जाए। यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। कुछ पेट्रोल दिया है आपने? हाँ, 1 लीटर पेट्रोल है अभी। 1 लीटर पीछे कैप में दिया हुआ चार्ट। आपका लाइट नहीं चल रहा है, इंडिकेटर नहीं चल रहा है, ऑन नहीं बज रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो आप फ्यूज का चार्ट देख के खुद ही रिप्लेस कर सकते हो। इनकेस ये सारे फ्यूज हैं और ये 3 फ्यूज एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो इनकेस ऑफ इमरजेंसी अगर समझो आपको लग रहा है तो आप खुद ही रिप्लेस कर सकते हो। ओके, जरूरत तो नहीं पड़ती है, वैसे कोई खुद नहीं खोलता है। नहीं अच्छा, ये सब नॉलेज होनी चाहिए। और वो RPM का एक बार सेट कर दिया तो इशू नहीं ना छेड़ने की? कोई इशू नहीं, उसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं, सिंपल है। यहीं से मैंने किक मारा गाड़ी पे बिना बैठे, बाहर से किक मारा, कुछ हार्ड नहीं है। सुबह एक बार कोल्ड स्टार्ट करना, और अगर लग रहा है चोक इस साइड, इस साइड अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठंडा हो जाता है कभी कभी गाड़ी, ये वाला चोक है। कौन सा? हाँ ये बाहर पोल किया, चालू है चोक, देखो गाड़ी रहे, करेक्ट करेक्ट, ज़्यादा रेस हो रहा था, बंद हो गया। नीचे मेन टैंक, पेट्रोल ऑफ रिजर्व, रिजर्व ऊपर है। हाँ ऊपर है, 3.5 लीटर का रिजर्व है, 13.5 लीटर जो फ्यूल कैपेसिटी है उसमें से 3.5 लीटर रिजर्व है, 2.5 लीटर से नीचे आपका लो फ्यूल इंडिकेशन चलेगा। अच्छा, लो फ्यूल इंडिकेशन का लाइट है ये, 2.5 लीटर से नीचे चल जाएगा, चलता रहेगा। ABS का लाइट, गाड़ी 2 किलोमीटर पर आवर टच होता है, ABS वर्किंग में आ जाता है, ABS का ये लाइट बंद हो जाएगा। और अगर ABS नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये लाइट चालू हो जाएगी, हजार्ड इंडिकेट करते हैं इन शॉर्ट। अभी पेट्रोल कम है, वो भी हजार्ड इंडिकेट कर रहा है गाड़ी में पेट्रोल कम, और ये हायर बीम और लोअर बीम दिखाएगा। ओके, ऑल सेट। गाड़ी का सर्विसिंग आपका पहला 500 या 45 डेज, देन 3000, 6000, 9000 गाड़ी। DC नंबर ना? हाँ। वो शैम्पू लिक्विड वगैरह कुछ? शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी से। और गाड़ी की डिलीवरी हो चुकी है तो मैं चलता हूँ इच्छामणि मंदिर, आप लोग आ जाओ पीछे से। मंदिर में, गणपति के मंदिर में हम आ गए हैं और पंडित जी आ रहे हैं अभी पूजा करने के लिए गाड़ी की। घर में आ चुकी है गाड़ी और ये तीसरी बार पूजा हो रही है, ये घर की पूजा, इससे पहले शोरूम की पूजा, फिर मंदिर में गणपति की पूजा, अब गए घर की पूजा। ये नेक पकड़ो, मम्मी कैमरे में नेक दे रहा है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना, और अगर कोई नया मेरी वीडियो देख रहा है तो नए बंदे प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे।